सो गाइस, अगर आप 2020 में अगर एक अच्छा सा स्मार्टफोन लेना चाहते हैं जो कि एक बजट रेंज में होने वाला है, यानी कि आपका कोई अगर बजट है 7 से 8 हज़ार के बीच में या फिर 6 हज़ार के बीच में, तो अगर मान लीजिए इस बजट रेंज में अगर आपको एक अच्छा सा अफोर्डेबल प्राइस में बहुत ही बेस्ट परफॉर्मेंस वाला फोन चाहिए तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहें। ये वीडियो आपके लिए होने वाला है बिल्कुल ही सही, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ अगर आपका ये जो बजट है तो इस बजट में आप कौन सा फोन ले सकते हैं। जी हाँ, इस बजट में रियलमी का एक बहुत ही अच्छा फोन लॉन्च हो चुका है, तो इसी के बारे में आपको वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप वीडियो पे एंड तक बने रहें। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दे, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो फिर चलिए आज का वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हेलो एंड वेलकम दोस्तों, माय नेम इज फारूक, यू आर वाचिंग टेक्निकल FRK फॉर टेक रिलेटेड वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सो मेक श्योर सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो रियलमी का जो फोन है वो कौन सा फोन है। जी हाँ, रियलमी C3 लॉन्च हो चुका है, जो कि आपका जिसका प्राइस है 3GB 32GB, यानी कि 3GB 32GB रैम वाला फोन आपको मात्र 6,999 में मिल रहा है, यानी कि 7,000 रुपये में। इसका पूरा परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, किस तरह का कैमरा क्वालिटी में मिलने वाला, बैटरी बैकअप वगैरह क्या है, किस तरह का कलर में आता है, पूरा आपसे डिटेल में आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। जी हाँ, यानी कि प्रोसेस दिखाने वाला हूँ, कैसा कलर में आ रहा है, किस किस वेरिएंट में आ रहा है, क्या क्या इसमें क्वालिटी है। तो इसके लिए हमें जाना होगा फ्लिपकार्ट में, तो चलिए आपको ले जाते हैं फ्लिपकार्ट में, वहाँ पे जाने के बाद आपको पूरा बताते हैं। दोस्तों, जो मैं रियलमी का बात कर रहा हूँ, जी हाँ, यानी कि रियलमी C3 जो लॉन्च हो चुका है फ्लिपकार्ट पे, उसका बात कर रहा हूँ। अगर आप एक बजट रेंज फोन लेने के चाह रहे हैं तो उसके लिए आपको जाना होगा फ्लिपकार्ट पे। फ्लिपकार्ट पे जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पेज में यहाँ पे आपको मिल जा रहा है रियलमी C3 फ्रॉम 6999। जी हाँ, यानी कि 7,000 में आपको एंटरटेनमेंट का सुपरस्टार देखने को मिल रहा है, जिसको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो इसका फर्स्ट सेल 14 फरवरी को होने वाला है। जी हाँ, 14 फरवरी को ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसका प्राइस है आपको 6999। अगर आप लेते हैं 3GB और 32GB रैम वाला फ़ोन तो ये आपको 7,000 का पड़ेगा। अगर आप 4GB 64GB का लेना चाहते हैं तो 1,000 आपको ज़्यादा देना होता है, यानी कि 7,999। तो ये एक बहुत ही अच्छा फ़ोन है। इसका आपको मैं हाईलाइट दिखा दे रहा हूँ, जिसमें आपको 5000mAh का बैटरी बैकअप मिल रहा है, जिसके अलावा सबसे मेन बात है आपका हीलियो G70 AI प्रोसेसर मिलने वाला है, जिसके वजह से आप पबजी वगैरह आराम से खेल पाएंगे, कोई लैग के कोई आपको इसमें लैग वगैरह देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो डिस्प्ले है वो आपको HD+ डिस्प्ले आपको देखने को मिलने वाला है। कैमरा की बात करूँ तो AI डुअल कैमरा आपको इसमें सेटअप मिलने वाला है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो इसमें आपको जो पीछे की तरफ जो कैमरा मिल रहा है उसमें आपको है 12+2 MP का कैमरा है। रियलमी UI इसमें आपको इसमें देखने को मिलेगा, जिसका रियलमी का आप लोगों को पता ही है, रियलमी का खुद का UI आ चुका है, तो ये आपको लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 में देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ही अच्छी बात है, लेटेस्ट एंड्रॉयड 10 आपको इसमें देखने को जल्दी मिलेगा। और आपको ये मेन हाईलाइट के बाद में कर रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे कलर वगैरह आप देख सकते हैं, इसमें आपको प्रोसेसर वगैरह का बाद में डिटेलिंग में दिखाया गया है। हीलियो G70 प्रोसेसर गेमिंग के लिए बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है, तो आप आराम से इसमें पबजी वगैरह हाई डेफिनेशन गेम वगैरह इसमें आप खेल सकते हैं। कैमरा क्वालिटी यहाँ पे आप देख लीजिए, 12 MP के AI डुअल कैमरा आपको इसमें देखने को मिलता है। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो 1080p भी आप इसको यहाँ पे रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको स्लो मोशन वीडियो भी इसमें आपको रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा, यानी कि इसमें आपको सपोर्टेबल मिलेगा। तो इसमें अगर आप चाहें तो स्लो मोशन वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं आराम से। और यहाँ पे आपको इसका क्वालिटी देखने को मिलेगा, नंबर वन क्वालिटी स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी अभी इंडिया का। तो ये था आपका कुछ खास मेन फीचर्स। अगर मैं बात करूँ इसको तो आप आराम से खरीद सकते हैं 14 फरवरी को। इसका मेन हाईलाइट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसमें आपको याद रखिए फ्रंट कैमरा जो है वो है 5 MP का फ्रंट कैमरा इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका दोस्तों बजट है, यानी कि आपका बजट अगर आपका 7,000-8,000 के बीच में अगर आपका बजट है, तो बहुत ही अच्छा फ़ोन होने वाला है। मेरी मानिए इस बजट रेंज में आपको इस तरह का फ़ोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये 7,000 फोन में आपको जो कलर मिलेगा इसमें आपको मैं दिखा दे रहा हूँ, ब्लेजिंग रेड और फ्रोजन ब्लू, ये दो कलर आपको इसमें अवेलेबल है। ये इस तरह का कलर है, अगर आप रेड लेना चाहते हैं तो रेड आराम से ले सकते हैं, अगर आप चाहें तो ब्लू भी ले सकते हैं जो इसमें ये कलर आता है, तो ये आप आराम से ले सकते हैं। अगर आपका ये बजट है तो 2020 में आपके लिए ये बेस्ट फ़ोन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगता है। कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं कमेंट में। साथ ही साथ में हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि आपके लाइक से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।